और गाइस इसी के साथ और एक मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। इसके बाद ये है डीजल एडिटिव, जिसको आपको डीजल टैंक में डालना है। इसके जो बेनिफिट्स हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, जब ये मैं अपलोड करूंगा आप जरूर देखिएगा। सो गाइस हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। काफ़ी टाइम के बाद मैं गाड़ी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, जैसे कि आपको मालूम होगा अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो। मैंने मेरी i20 के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए थे, तो आप देख सकते हो प्रीवियस वीडियोस में जाके। तो अभी मैंने गाड़ी चेंज कर दिया। मुझे इंजन, मेरी जो गाड़ी है उसकी टेक केयर करना बहुत पसंद है, उसको इंजन का जो भी है, मतलब मुझे गाड़ी वेल मेंटेन बहुत पसंद है। सो अगर आपको आपकी गाड़ी का, अगर पेट्रोल गाड़ी है डीजल गाड़ी है, अगर उसको आपका मीन्स आपको अच्छी कंडीशन में चाहिए, इंजन की जो पावर लॉस हुई है ठीक है, अगर उसको आपको वापस लेके आना है और आपको आपका इंजन अच्छी हेल्दी कंडीशन में चाहिए ठीक है, तो एक प्रोडक्ट है। सो इस एडिटिव का नाम है ABRO प्रीमियम ऑयल ट्रीटमेंट। ओके, और ये एक US बेस्ड प्रोडक्ट है। इसके ऊपर स्टिकर लगा था जो मैंने निकाल दिया है ताकि आपको दिख सके। मैंने ये अमेजोन से परचेस किया और ये जेन्युइन प्रोडक्ट है, ABRO US कंपनी का है। सो बेसिकली ये प्रोडक्ट के मेन फीचर्स में बात करता हूँ पॉइंट पे आके। फर्स्ट ऑफ ऑल इंजन में जो वाइब्रेशन होता है, नॉइज होता है, उसको ये कैंसिल करता है, कम कर देता है, बिकॉज इंजन में जो फ्रिक्शन होता है उसको ये कम कर देता है। इंजन ऑयल के साथ आपको ये एडिटिव डालना है ठीक है। इसको कब डालना है, जब भी आप नया इंजन ऑयल डालते हो तभी, या फिर आपने डाल दिया इंजन 3,000-4,000 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है फिर भी आप इसको डाल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये माइलेज इंक्रीज करेगा, इंजन को स्मूथ करेगा, जो वाइब्रेशन है आपकी इंजन में उसको भी रिड्यूस कर देगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी अगर डीजल गाड़ी, आपको मालूम है कि उसमें से ब्लैक स्मोक भी निकलता है, तो ब्लैक स्मोक भी कम हो जाएगा निकलना, और फर्स्ट ऑफ ऑल माइलेज इंप्रूव होगा, तो वो बेस्ट रहेगा। सो गाइस और एक बात मुझे आपको बतानी थी कि अगर आपकी गाड़ी न्यू है तो इसको डाल के कुछ मतलब नहीं है। अगर आपकी गाड़ी काफ़ी चल चुकी है 20,000-30,000 किलोमीटर और अगर आप फिर उसके बाद इसको डालोगे, बिकॉज ये एज अ सप्लीमेंट काम करता है, तो ही आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। बिकॉज न्यू गाड़ी में कुछ डाल के मतलब नहीं है, सारी चीज़ें मीन्स इंजन टोटली न्यू होता है ठीक है। सो ये पावर लॉस जो है आपकी गाड़ी में, लाइक इंजन लैग हो रहा है, आपको लैक ऑफ पावर लग रहा है, तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो ये सारे फीचर्स हैं इसके। तो अभी मैं बोनट खोल के, पहले आपको इंजन बंद करना है, उसके बाद पूरा इसको एम्प्टी करके फिर आपको इंजन स्टार्ट करना है। सो गाइज आप देख पा रहे होंगे ये ऐसा टाइप का लिक्विड है। अभी मैंने इंजन का कैप ओपन किया है, अभी इसके अंदर मैं इसको फिल करने वाला हूँ। काफ़ी गाढ़ा लिक्विड है ये। सो गाइज मैंने इसको एम्प्टी होने के लिए ऐसा ही रख दिया है, बिकॉज ये बहुत थिक लिक्विड है। ओके, तो इसको एटलीस्ट 10 मिनट तो जाएगा पूरा एम्प्टी होने के लिए। तो पूरा एम्प्टी होने के बाद हम चेक करेंगे। आप देख सकते हो ऐसा ये दिखता है, येलो कलर का लिक्विड है। थोड़ा मैंने डाल दिया, थोड़ा मैंने मतलब आपको दिखाने के लिए मैंने थोड़ा आधा रखा है। अब इसको पूरा फिलअप करूँगा मैं। गाइज मैंने इसको अभी पूरा लास्ट ड्रॉप तक यूज़ कर लिया है, पूरा ऑलमोस्ट इसका ख़त्म हो चुका है। अभी लास्ट के 3-4 ड्रॉप्स थोड़े मतलब बाकी है, अभी ज़्यादा पोर करके मतलब नहीं है, थोड़ा सा ही बाकी है देख सकते हो। अभी मैं इसका है ना इंजन कैप लगा के गाड़ी को कम से कम 10 मिनट तक ऑन रखूँगा, और उसके बाद जो है ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर तक मैं चलाऊँगा ताकि मुझे डिफरेंस पता चले, बिकॉज इंस्टेंटली स्मूथनेस अपने को पता नहीं चलेगा इसका ठीक है। तो अभी ऑलमोस्ट हो चुका है, एक एक ड्रॉप गिर रहा है, कैप बंद कर रहा हूँ मैं अभी इसका। गाइस इतना धूप था पूरा पसीना पसीना हो गया। अभी हम लोग करेंगे इंजन स्टार्ट। सो गाइस जैसे कि आपने देखा कि मैंने पूरा जो कंटेनर था वो पूरा एम्प्टी कर दिया था इंजन में, और उसके बाद मैंने 10 में से गाड़ी को आइडल रखा। ओके, और उसके बाद मैंने 5-7 किलोमीटर को गाड़ी को चलाया, और मैं बताना चाहूँगा कि लिटरली गाड़ी का जो वाइब्रेशंस है वो ऑलमोस्ट कम हो गया था, और गाड़ी का जो मतलब पिकअप है या फिर जो स्मूथनेस है उसमें भी मुझे फ़र्क नज़र आया। तो ये प्रोडक्ट जेन्युइनली काम करता है। और एक मैं चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, लाइक आपको एक प्रूफ अगर चाहिए मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या डिफरेंस है अभी।
सो गाइज ये जो ग्रिल है ना, जब भी मैंने पहले हाथ लगा के एक बार चेक किया था, तभी जब गाड़ी ऑन रहती थी तभी ये ग्रिल है ना वाइब्रेट करता था, और अभी मैं देख पा रहा हूँ ना ये ग्रिल है ना थोड़ा भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है। मतलब वाइब्रेशन है, डीजल इंजन है इसलिए, लेकिन पहले जितना वाइब्रेशन था ना उससे ऑलमोस्ट 80 to 90% कम है। और अमेजोन पे आपको ये अराउंड 350 to 400 तक मिल जाएगा आपको। ओके, अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड योर टाइम। बाय बाय।